खाने पीने की चीजों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। आटा 30 रुपए किलो के पार पहुंच गया है। ऐसे में महाराष्ट्र के व्यापारियों ने बड़ी भविष्यवाणी की है। व्यापारियों का कहना है कि थोक मार्केट में अरहर दाल के ताजा स्टॉक की देरी से आवक और पड़ोसी राज्य कर्नाटक में फसल को हुए नुकसान से इस समय मसूर की कीमतों में तेजी बनी रहेगी। हालांकि उनका कहना है कि इस साल चना दाल की बंपर बुआई हुई है, जिससे इस सीजन में चने की कीमतें कम हो सकती हैं। दरअसल तुअर दाल की बुआई ज्यादातर जुलाई और अगस्त में शुरू की जाती है और दिसंबर के अंत में थोक बाजारों में तुअर दाल का ताजा स्टॉक आना शुरू हो जाता है। हालांकि इस साल जुलाई में सूखे के मौसम के कारण दलहन की बुआई प्रभावित हुई है। यही वजह है कि महाराष्ट्र के लातूर के थोक बाजारों में आवक कम है। व्यापारी जनवरी के तीसरे सप्ताह में ही बेहतर आवक की उम्मीद कर रहे हैं। इसके अलावा मिली जानकारी के मुताबिक कर्नाटक में लगभग 25 से 30% फसल खराब हो चुकी है। इसी तरह मराठवाड़ा में बारिश के चलते बुआई कम हुई है और लातूर जैसी जगहों पर भी फसलों का नुकसान हुआ है। हालांकि विदर्भ में फसल की स्थिति अच्छी बताई गई है। वर्तमान में लातूर के थोक बाजार में अरहर 6800 रुपये प्रति क्विंटल पर कारोबार कर रही है, जबकि सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 6600 रुपये प्रति क्विंटल है। वहीं द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक व्यापारियों का कहना है कि खाद्य मुद्रा स्फीति के प्रति सरकार के आक्रामक रवैये के कारण एक निश्चित सीमा से अधिक स्टॉक करने से सावधान थे। मध्य प्रदेश के इंदौर के मिलर्स का कहना है कि सप्लाई कम होने के कारण कीमतों में मजबूती आई है, लेकिन ज्यादातर लोग सरकार की कार्रवाई से सावधान रहते हैं और इसलिए तेजी में खरीदारी नहीं करते। अगर अरहर दाल की कीमतें MSP से ऊपर व्यापार करना जारी रखती है तो यह चने के लिए विपरीत हो सकता है, जो कि इसके 5335 रुपये प्रति क्विंटल के MSP से काफी नीचे कारोबार करने की उम्मीद है। वर्तमान में लातूर के थोक बाजारों में दाल 4500 से 4600 रुपये प्रति क्विंटल के बीच कारोबार कर रही है। व्यापारियों का कहना है कि रबी सीजन में चना की खेती का रकबा बेहतर नमी की वजह से बढ़ा है और इस तरह हम एक और बम्पर फसल की उम्मीद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।